वालेकुम फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू टीवी में और आज मैं दिखाने वाली हूँ इलास्टिक एडेसिव फ़ैब्रिक टेप का ये एक तरह का फैब्रिक टेप है और इसे मैंने देखने के लिए फाड़ा हुआ भी है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ तो पहले देख लेती हूँ कि सबसे पहले जो हमें देखने की ज़रूरत है वो है एक्सपायरी डेट तो देखिए यहाँ पर एम एफ जी डेट है जुलाई से टू थाउजेंड सेवेंटीन यानी उससे लेकर के तीन साल आपको चलना होता है एक्सपायर डेट है जून ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये एक्सपायर्ड हो चुका है एनी बज़ आप जब ले तो करेंट ही ले और जैसे ये अभी चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी है ना आप ट्वेंटी ट्वेंटी एकदम लें एम एफ जी ताकि आप तीन साल यानी दो हज़ार तेईस तक उसे चला सके तो इसका एक और था उसे हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये देखिए एक तरह का फैब्रिक टेप है या फिर आप इसे क्रिप बैंडेज भी कह सकते हैं ये क्रेप बैंडेज इसके ऊपर शाइन जो कर रहे है, प्लास्टिक है इसे आप उठा के जैसे आप लोग छोटे में बबल गम के साथ टैटू लगाते थे ना ठीक वैसे आपको प्लास्टिक को उठा के फिर उसको आपको वहाँ पे चिपकाना है जहाँ पे आपको तकलीफ है स्पेशली जो फुटबॉलर्स है या फिर जो जिन, जो खेल कूद में बहुत माहिर है तो उन्हें कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है पैरों में तो वहाँ पे इस तरह के चीज़ें इंस्टेंट काम करती हैं फिर वो अपने टूर्नामेंट जारी रख सकते हैं या नहीं तो आप अगर घर में कहीं पर गिर जाए योगासन करते करते तो भी ये असरदार है आप इसे लगा सकते हैं और राहत पा सकते हैं लंबे समय के लिए पर हाँ फिजिशियन से भी कंसल्ट करें आगे ताकि वो जाकर अगर कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो वो वहाँ का हिप्स करके नेक्स्ट आगे की स्टेप्स uh, ले सके जो फिजिशियन है वैसे इंस्टेंट फर्स्ट एड के लिए काफ़ी महत्व है महत्वपूर्ण है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ये जो मोच आता है ना हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज पैर में मोच आ जाता है अचानक से उन सब पे भी ये असरदार है तो एक 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 और तरीका क्रेप बैंडेज होता है जो क्या होता है बहुत लंबा होता है ये तो छोटा सा है छोटू सा कहीं पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए पर अगर पूरे पैर को आपको लपेटना है तो वो क्या होता है सिर्फ ये जो है ये सिर्फ़ होता है और ये प्लास्टिक नहीं होता है उसको आपको बांधना पड़ता है ये तो चिपकाना पड़ेगा ग्लूई टाइप है क्योंकि प्लास्टिक पूरा रिमूव करेंगे तो ग्लूई कुछ होगा स्टिकी विकी पर वो क्या होता है आपको बांधना पड़ता है अच्छे से बांधने के बाद एक दो तरफ पिन होता है पिन से आपको अटैच कर दे रहा होता है फिर पैर में वो सख्त से पकड़ लेता है और ये तो हो गया जैसा मैंने कोजा टैटू टाइप टैटू टाइप तो वो दोनों एक ही काम करता है उस जगह में आपका ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कस के बांधेंगे ना जैसे देखिए मेरा यहाँ पे धागा है तो अगर मैंने ज़्यादा कस के बांधा तो आप देखेंगे ना यहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा यानी ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा पर जब आप इसे खोलेंगे तो वहाँ पे फास्ट होगा ब्लड सर्कुलेशन तो वैसे कुछ ये भी है ये उसी तरह से साइंटिफिकली काम करता है मेडिकली फिर वो आपका जो है ठीक हो जाता है सो so फ्रेंड्स यही स्क्रेप बैंडेज या फिर आप बोल सकते हैं जो फैब्रिक टेप का रिव्यू था आप चाहे तो इस बारे में या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी और बैंडेज या फिर ऐसा कुछ आप कमेंट करें जो आपको जानने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर आपको जो भी हमसे बनेगी सलाह देंगे